खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। तो देश भर में जन्माष्टमी की धूम है और उसी के मद्देनजर अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त किस तरीके का माहौल बना हुआ है, किस तरीके के मानकों का पालन यहां पर किया जा रहा है, उसकी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। सबसे पहले सोनू सिंह देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सोनू, किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना काल है और जन्माष्टमी की धूम भी एक तरफ है, लेकिन साथ ही साथ मानकों का भी यहां पर पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साहिल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो देखने को मंदिरों में मिलते थे उतने नहीं मिल रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो बहुत कम मात्रा में यहाँ दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भक्तों में खासा उत्साह है, उमंग है और इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आप जान जो जन्माष्टमी का ये पर्व है, इसको मनाया तो जा रहा है, लेकिन इस पूरे के पूरे पर्व पर कहीं ना कहीं जो कोरोना की वैश्विक महामारी है, इसका असर भी साफ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हम जिस मंदिर में खड़े राधा कृष्ण जी के, ये भव्य और दिव्य मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर जिस मात्रा में इस वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा होना चाहिए था, वो शायद नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना का प्रभाव है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी साहिल जी, लखनऊ से भी हमारे सहयोगी पंकज और जयपुर से हमारे सहयोगी अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके के मानकों का पालन वहां पर किया जा रहा है? साहिल, देखिए, जहां तक मानकों की बात है तो बाकायदा कल लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अनुसार कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम या रैली या धूमधाम से ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। लखनऊ में सबसे बड़ी जो जन्माष्टमी मनाई जाती है वो लखनऊ पुलिस लाइन में मनाई जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हैं। चूँकि ये माना जाता है कि खासतौर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो पर्व है, जो त्यौहार है, वो खासकर पुलिस वालों के लिए भी विशेष महत्व रखता है, लेकिन इस बार सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। इस वक्त मैं इस्कान मंदिर लखनऊ के टेंपल में, राधा स्वामी मंदिर में हूँ। मंदिर को पूरी तरीके से भव्य तरीके से सजाया गया है, लेकिन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि लोग बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के सार्वजनिक आयोजन का जो है मना ही है। लेकिन चूंकि आज श्री कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, कल भी था, लेकिन आज अधिकतर स्थानों पे आज मनाया जाता है। हमेशा हिंदू धर्म के अनुसार उदयातिथि में ही इस तरीके का जो जन्म उत्सव है या व्रत है या कोई भी दानपूर्ण है, वो उदयातिथि में मानी जाती है। तो आज अधिकतर स्थानों पे मनाया जाता है। लखनऊ का जो इस्कॉन टेम्पल है, राधा स्वामी मंदिर, पूरी तरीके से भव्य तरीके से सजाया गया है, लेकिन भीड़ जो है वो ना के बराबर है। उसका कारण है कि किसी विशेष लोगों की एंट्री नहीं दी जा रही है। तो एक इक्का दुक्का लोग जरूर आ जा रहे हैं, जो इस क्षेत्र के हैं या जिनको पूरी तरीके से कैंपस में रहते हैं उनको आने दिया जा रहा, वो कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क बकायदा उसके गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। खास तौर पे जो प्रतिमा है राधा स्वामी की, उससे काफी पहले ही इन लोगों को रोक दिया जा रहा है, और जो भी मंदिर परिसर में है वो सभी लोग मास्क बनाए हैं। सुबह से ही कार्यक्रमों का यहाँ का जो आयोजन है श्री कृष्ण जन्म उत्सव के ऊपर, वो पूरी तरीके से श्री कृष्ण में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, और ये ऐसे ही रात 12 बजे तक कार्यक्रम चलता रहेगा। फिलहाल आसपास के मंदिर को पूरी तरीके से भव्य तरीके से सजाया गया है और पूरे प्रदेश में यही नज़ारा है। हालांकि कल भी कुछ स्थानों पर मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव, लेकिन आज पूरी तरीके से भव्यता तरीके से मनाया गया। इस पूरे जो पंडाल की अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो पूरी तरीके से, चूंकि कोरोना काल है, इस नाते किसी भी उस जनरल या सामान्य तौर पे एंट्री नहीं दी जा रही है। यही कारण है कि पूरा पंडाल खाली है। इक्का दुक्का लोग या जो प्रबंधक या जो मंदिर से जुड़े हुए हैं इस्कॉन टेम्पल से, वही लोग कि उन लोगों की प्रवेश की एंट्री है। और चूंकि पूरा कार्यक्रम देर रात को 12 बजे तक होगा और खास तौर पे 8 बजे से शुरू होगा, तो उस समय कुछ और गतिविधियां बढ़ सकती, लोग आएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और उस तरीके की जो बड़े स्तर पे श्रद्धालु आते थे
भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होते थे, वो स्थिति नहीं रहेगी। और उसका कारण है कि कोरोना संकट की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार की गाइडलाइन है कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन जो उनके भक्त हैं वो अपने अपने घरों में पूरी तरीके से जन्मोत्सव मना रहे हैं। मंदिरों में इस तरीके की सरकार की तरफ से कहा गया कि अपने घर में मनाइए, वही कारण है कि लोग कम आ रहे हैं, लेकिन भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। शाम तक की संख्या थोड़ी बहुत भक्तों की आ जाए और आ सकती है, लेकिन उसके लिए बकायदा जो कुर्सी यहाँ पे लगाई गई है, जो बैठने या रुकने का स्थान है, उसको सोशल डिस्टेंसिंग के मानक के अनुरूप यानी 2 मीटर का स्पेस दिया गया है। इस पूरी तरीके की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। गेट पे ही थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ नाम, नंबर, पता और मोबाइल नंबर नोट किया जा रहा है। वहाँ इसके बाद फिर सेकंड गेट पे भी एंट्री करने के बाद भी यही स्थिति है। और इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस्कॉन टेम्पल पे, यहाँ पूरी तरीके से उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाती है जिनके लक्षण नहीं है या जो जिनके टेम्परेचर हाई नहीं है, जिनके संक्रमण में किसी प्रकार की कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। तो पूरी तरीके से पिछली साल की अपेक्षा इस तरीके साल जो है माहौल पूरा बदला हुआ है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं, इससे पहले भी जो भी वो पर्व पड़े हैं उनकी भी यही स्थिति थी, चाहे नवरात्रि के दौरान की चीज़ें हों, जब रामनवमी चैत्र नवमी के दौरान की चीज़ें रही हों, या फिर आज रही हों, या इससे पहले जो भी पर्व पड़े हैं, चाहे हिंदू के पर्व हों या मुस्लिम के, उसका पूरा पूरा पालन किया जा रहा है। और यही कारण है कि आज भी पूरी तरीके से जरूर कृष्णमय, चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो या शहर के अन्य जिले हों, शहर हों, हैं, लेकिन उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अधिकतर लोग अपने घरों में हैं और पूरी तरीके से यहाँ आपको आवाज़ मिल रही होगी कृष्णमय, उनके जो भजन है, उनके जो गीत हैं, उनके श्लोक हैं, वो लोग लगातार पूर्ण कर रहे हैं। चलिए जयपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, वहां किस तरीके की धूम देखने को मिल रही है, साथ ही साथ किस तरीके के सुरक्षा मानक वहां पर अप्लाई किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त गोविंद देव जी मंदिर के बाहर खड़ा हूँ और गोविंद देव जी जो हैं वो जो जयपुर के आराध्य देव हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त आते थे, लेकिन आपको बता दूं कि इस बार जो कोविड की महामारी है उसके कारण जो सभी धार्मिक स्थल है राजस्थान में, केवल छोटे धार्मिक स्थल गाँवों के जहाँ पर 50 से कम लोग वहाँ पहुँचते हैं वे ही अब खुले हैं, और इसके अलावा तमाम जो मंदिर है वो यहाँ पर बंद है। और आप देख सकते हैं इस वक्त गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर जो भारी जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है और केवल पुलिसकर्मी हैं वो ही यहाँ पर है। किसी तरह के भक्त को यहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई है कि वो यहाँ पर मंदिर में आ सकता हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो चारों तरफ यहाँ पर तैनात हैं और पुलिसकर्मी लगातार ये समझाइश कर रहे हैं, कुछ लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि वे लोग यहाँ पर मंदिर में ना आए। आप देख सकते हैं ये मंदिर का परिसर है, मंदिर का मेन गेट है, जहाँ पर भी पुलिस का जो बल है वो यहाँ पर पूरा तैनात है और किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। विशेष पुलिस का जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से यही तमाम जो तस्वीरें हैं राजस्थान के सभी जो मंदिर है वहां पर है। और गोविंद देव जी मंदिर देखिए, यहाँ पर आज तमाम जो कार्यक्रम है जो जन्माष्टमी पर हुआ करते हैं वे सभी कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, लेकिन हालांकि ये जो सभी कार्यक्रम है ये मंदिर के जो महंत है उनके माध्यम से किए जाएंगे और लाइव जो दर्शन है वो यहाँ भक्तों को किए जाएंगे। गोविंद देव जी मंदिर की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर भक्त अपने जो लाइव दर्शन है वो कर सकते हैं, साथ ही जिनको भी चढ़ावा यदि करना है तो वो ऑनलाइन जो है वो चढ़ावा भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से कहा गया कि कोरोना महामारी चल रही है। जी रखने का जो ऐलान है वो यहाँ पर किया था, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरह से कोरोना के चैन ऑफ ट्रांसमिशन है वो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो मंदिर हैं उनको फिलहाल बंद रखा गया है। और आपको बता दूं गोविंद देव जी का मंदिर, यहाँ पर लाखों जो भक्त है वो यहाँ पर जन्माष्टमी को पहुंचते थे, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल उलट है। आप देख सकते हैं एक भी जो भक्त यहाँ पर नहीं है, केवल कुछ मीडियाकर्मी और कुछ जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात है और पुलिस के करीब काफी संख्या में जो जवान है वो यहाँ पर इसलिए तैनात किए गए हैं कि यदि लोग यहाँ पर पहुंचते तो उनको समझाइश करके यहाँ से बाहर भेजा जा सके, लेकिन किसी भी तरह के जो श्रद्धालु को है मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और लगातार इसी तरह की जो व्यवस्था है वो अन्य मंदिरों में भी यहाँ पर की गई है राजस्थान में, चाहे इस्कॉन मंदिर की बात करें, चाहे बिड़ला मंदिर की बात करें, या अन्य जो बड़े राधा कृष्ण के मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में इस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। और क्योंकि देर रात को जो कृष्ण जन्मोत्सव की जो धूम होती है तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जगह जगह पर पहुंच सकते थे, इन सब चीजों को देखते हुए इस बात की व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह का जो श्रद्धालु है वो यहाँ मंदिर परिसर में प्रवेश
ना कर सके जी साहिल। चलिए अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लखनऊ से हमारे साथ पंकज जुड़े थे, पंकज आपका भी बहुत शुक्रिया। और सोनू देहरादून से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, सोनू आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि देश भर में लगातार जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना के मद्देनजर जो भी सुरक्षा मानक यहां पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनका भी पालन होता हुआ नजर आ रहा है। भक्तों का भी पूर्ण सहयोग यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नजर आ रहा है यहां पर साफ तौर पर, और भक्तगण भी यहां पर पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। तो खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update.